ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था फोर्स से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, कि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। तो कुछ हमने फोर्स के न्यूमेरिकल लगाए थे, एक आध न्यूमेरिकल फोर्स पे और लगाते हैं, फिर देन इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल लगाते हैं। और आज आपको जो है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से वो लिंक डाउनलोड करके, लिंक से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं और उसको हम गाइड करेंगे कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो चलिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन है पहले हम इसको लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, टू पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस टू माइक्रो कूलम एंड प्लस सिक्स माइक्रो कूलम रिपल ईच अदर। भाई दोनों प्लस और दोनों प्लस चार्ज हैं, एक ये हो गया मान लीजिए, यहाँ पे प्लस टू माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है, इससे सपोज आर डिस्टेंस पे दूसरा प्लस सिक्स माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, तो इनके बीच जो है एक फोर्स लग रहा होगा रिपल्शन का। वो फोर्स कितना गिवन है हमें, 12 न्यूटन दिया है। मतलब फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स, ये हमारा जो है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है, न्यूटन इसकी यूनिट रहती है, ये फोर्स है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम एफ वन की बात करें, जो कि कितना गिवन है, 12 गिवन है हमें, तो जो फर्स्ट दिया है, इनिशियल दिया है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 12 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, क्यू वन की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो कूलम 10^-6, क्यू टू कितना है, 6 माइक्रो कूलम 10^-6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये यहाँ से बन गई। अब देन क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रो कूलम, अगर इन सभी को -4 एक्स्ट्रा चार्ज और दे दिया जाए, इसको भी तुम -4 माइक्रो कूलम चार्ज दे दो और इस वाले को भी -4 माइक्रो कूलम चार्ज दे दो, तो अब जो नया केस बन जाएगा, जब -4 इसको देंगे, चार्ज बताया था ना चार्ज की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत कि चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, तो ये बचेगा -2 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस तो अभी भी वही है क्योंकि हमने वहीं पे दिया है, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा +2 माइक्रो कूलम। तो अब जो फाइनल, अब इनके बीच के जो फोर्स है वही हमसे पूछा है, वो देन विल बी द न्यू फोर्स, तो अब न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये इक्वेशन हो गए। अब एफ न्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं कि क्यू वन 2×10^-6, ये रिपल्सिव फोर्स था, सेम थे, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा 10^-6 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के बाई आर की वैल्यू इस जगह से निकाल के सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है, बाकी हमें कोई काम नहीं करना है, तो एफ न्यू हमें मिल जाएगा, एफ न्यू जो होगा के बाई आर स्क्वायर 4×10^-12 हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर देखा जाए तो सिर्फ इसको उधर भेज देना, 6×12, तो ये वैल्यू हमारी निकल आएगी, तो ये और ये मेल करके इसको काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1 ओनली, ठीक है, और ये 10^6 10^-6 मिल करके 10^-12 हो जाएंगे और उस साइड पे जाएंगे तो प्लस का 10^12 हो जाएगा और वो वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे जो कि इसकी वैल्यू होगी। अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं, ये करने के बाद हम यहाँ पे के भाई इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एफ न्यू जो हमारा आएगा वो आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई 10^12
इंटू फोर इंटू टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्व, ये प्लस का माइनस के पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, फोर न्यूटन का फोर्स आएगा, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, इसलिए इसकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, अट्रैक्शन की होगी, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसी को हम आकर्षण बल बोलते हैं, आकर्षण बल। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ डाउट होगा तो मैं इसको थोड़ा इधर सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कैसे हुआ है। देखिए ये था 12 इज इक्वल्स टू के बाई आर स्क्वायर इन टू सिक्स टू द 12 इंटू टेन रेस पावर माइनस 12। तो देखिए हमें के बाई आर स्क्वायर चाहिए, तो ये 12 ये सब कौन में चला जाएगा, 12 इंटू टेन रेस पावर माइनस 12, ये कैंसिल और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर प्लस 12 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आई, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे जा कर के पुट कर दी है, इस टाइप से इसकी कैलकुलेशन हुई। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है टू पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एंड 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब दो पॉइंट चार्जेस आपके हैं, एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर दूसरा जो चार्ज है 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इन दोनों के जो बीच की ये गैपिंग है, डिस्टेंस है, वो 2 मीटर का दिया हुआ है। ये इतना क्वेश्चन के डेटा में गिवन हुआ है। अब कह रहा है कि एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, इस लाइन को जब हमने मिलाया तो इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा बिंदु है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, हमें वो पॉइंट बताना है। तो देखो दोनों प्लस चार्ज हैं, ये भी प्लस चार्ज, जब साइन ना लिखो तो प्लस कंसीडर करेंगे, तो दो सेम साइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो होने की बात होगी तो हमेशा वो पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अगर ये एक प्लस होता है एक माइनस होता तो इस तब ये हो सकता था कि उधर हो या वो पॉइंट इधर हो, आउटसाइड होगा, बीच में कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सेम चार्जेस हैं इसलिए वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बीच में करेगा, जब भी दोनों माइनस चार्ज होते या दोनों प्लस चार्ज होते। अगर दोनों प्लस चार्ज हैं और इसके बाद हम फील्ड पता करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इसके बीच में कहीं एक पॉइंट होगा, यहाँ पे मान लीजिए होगा इस जगह पे, जिसकी ए वाले, अब ये दो चार्ज हैं मान लीजिए, एक ए पॉइंट पर रखा है एक बी पे, तो ए की तरफ से डिस्टेंस जो है हमने क्या ली, एक्स ले ली, तो ए की तरफ से डिस्टेंस एक्स हो गई, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी बची, टू में से एक्स कम कर दी जाएगी, इतनी डिस्टेंस ये रह गई। इसका मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि ये वो पॉइंट है सी पॉइंट, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। अब कैलकुलेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, ई ए सबसे पहले निकाल लेते हैं, सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के केस में होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, हम लोग ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं कि क्यू की वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। सेम इधर से बी की वजह से सी पर, जो बी पे चार्ज रखा है उसकी वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला वही के क्यू, क्यू कितना है 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 अपॉन इसके बीच की दूरी, तो 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम जान रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि इस सी पॉइंट पे जो ए सी है वो बराबर है बी सी के, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है,
तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे भाई। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ये ई बी सी है, इसकी वजह से ये हो गया ई ए सी। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब ये भाई यहाँ पे ये दोनों फील्ड क्या है, अपोजिट है और बराबर है। अगर अपोजिट और बराबर है तो ये वैल्यूज हम यहाँ रख सकते हैं, तो के इंटू फाइव इंटू टेन की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्व टू के इंटू 20 इंटू टेन टू की पावर माइनस 19 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यू ले लेते हैं इसका मल्टीप्लाई इसका इधर इधर, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्व टू 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हम इधर लगा देते हैं तो 2 माइनस एक्स इक्व टू, जब अंडर रूट ले लेंगे आप 4x स्क्वायर का तो वैल्यू अंडर रूट की हमेशा प्लस और माइनस दोनों आती है, तो 2 माइनस एक्स इक्व टू प्लस माइनस 2x ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे दो साइन आ गए, एक प्लस भी है एक माइनस भी। तो हल करने का तरीका ये है सॉल्व करने का, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पहले हम प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो 2 माइनस एक्स इज इक्व टू 2x तो ये उधर चला जाएगा, तो 3x इक्व टू 2 तो x इज इक्व टू 2/3 मीटर। कहाँ से, ए पॉइंट से। दूसरा ये लिख सकते हैं फॉर्म ए, दूसरा अगर हम माइनस साइन लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्व टू माइनस 2x तो ये उधर जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का, तो बचेगा माइनस एक्स इक्व टू 2 या एक्स इक्व टू माइनस का 2। तो देखिए माइनस का 2 तो डिस्टेंस अब नहीं होगी क्योंकि प्लस वाला हम कंसीडर करेंगे, तो ये डिस्टेंस नहीं लेना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका करने का तरीका हुआ। तो इस टाइप के बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल हैं, स्क्वायर भी आ सकता है, ट्रायंगल भी आ सकता है, तो आपको ऐसे कंसेप्ट लगाना है, वेक्टर रूल लगा लेना है और उसी मदद से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक आध न्यूमेरिकल और भी देखते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल अगर कोई मिलते हैं, वरना आपको ये समझ में आ गया होगा। आप पहले एक्सरसाइज लगाइए जो हम PDF दे रहे हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाना 2020 और 2021 सेशन वाले में, ऊपर ही आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। सभी को ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप के लिए आप जो है व्हाट्सएप करने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा 8 7 3 888 6 111, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा क्वेश्चन है वो आप बता सकते हैं, फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे, कोशिश करेंगे उसके सॉल्यूशन देने की। हो सकता है हम हिंट दें या हो सकता है उसको पूरा हम लगा के भी बताएं, अगर ज़्यादा बच्चों के डाउट होंगे हम उसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे।